नहीं भाई, ये लोग तो नहीं जाने वाले। और यहाँ पे अमन ने स्काउट को नॉक कर दिया, तो अभी एक फाइट चलते हुए टीम फनाटिक और टीम सोल के बीच में। यहाँ पे टीम फनाटिक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। यहाँ पे नेट डालते हुए ओवेस देखेंगे, यहाँ पे अभी फिलहाल हाईएस्ट वैगन चल रहे हैं, बट लेफ्ट हैंड साइड से पूछा था यहाँ पे वाइपर का, बहुत ही प्यारा नॉक दे दिया वाइपर ने ओवेस को। और ऐश अभी अकेले बचे, ऐश अभी प्रायोरिटाइज करना चाहेंगे फनाटिक के स्काउट को बचाने के लिए। अब पासिंग स्मोक जरूर डाल रहे हैं, बट आई थिंक टीम सोल की जो स्क्वाड है उनको ज्यादा ओपनिंग नहीं देने वाली। अभी पूरी की पूरी टीम सोल जो है अभी पुश इन कर जाएगी फनाटिक के प्लेस की तरफ, और स्काउट यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही लाचार यहाँ पे नॉक होके पड़े हैं, बट अभी काइंड ऑफ इन द सेफ्टी है। तो ये बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है कि फनाटिक के ऐश यहाँ पे किसी भी प्रकार उनके तरफ आ जाए। ऐश यहाँ पे जूक आउट करके यहाँ पे उनके तरफ जाने की कोशिश, और यहाँ पे होता हुआ अल्टीमेट फेल यहाँ पे, और यहाँ पे स्काउट की तरफ जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। बट स्काउट ने डिसाइड किया कि वो जंप इन कर जाएंगे और यहाँ पे रिवाइव दे रहे हैं ऐश, बट क्या यहाँ पे अमन उनको वो मौका देंगे। टीम सोल यहाँ पे टीम फनाटिक के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बनाते हुए यहाँ पे देखना ये रहेगा कि क्या टीम सोल यहाँ पे कूदती है या फिर यहाँ पे स्काउट को रिवाइव तो मिल चुका है। अमन यहाँ पे ऊपर से स्पॉट आउट करने की कोशिश करे, ऐश को यहाँ पे रेगल टॉस ने नॉक कर दिया, आखिरी बचे स्काउट और उनको भी जीने नहीं देंगे। और इसी के साथ टीम सोल ने टीम फनाटिक को यहाँ पे इस गेम से बाहर निकाल दिया। मीनवाइल टीम सेल्स और पावर हाउस के